हाउ टू एस्केप मैट्रिक्स वाली वीडियो में हमने मैट्रिक्स से बाहर निकलने की तीन हैबिट्स देखी थी और देखा था कि आखिर मैट्रिक्स से बाहर निकलने का मतलब होता क्या है। और आज हम कुछ और हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो मैट्रिक्स से बाहर निकलने के लिए आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। लेट्स बिगिन। हैबिट नंबर 1, डिसिप्लिन। यह हैबिट मैट्रिक्स से बाहर निकलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट है और बिना इस हैबिट को डेवलप करे मैट्रिक्स से बाहर निकल पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो इंसान जब मन चाहे तब काम करता हो वो इस मैट्रिक्स से कैसे ही बाहर निकल सकता है। मैट्रिक्स से बाहर निकलना तो बहुत दूर की बात है, वो इस मैट्रिक्स के और अंदर ही चला जाएगा। हियर्स अ फैक्ट, इन टूडेज वर्ल्ड नोबडी केयर्स अबाउट डिसिप्लिन। एवरीबडी नीड अ डोज ऑफ मोटिवेशन लाइक अ ड्रग, बट मोटिवेशन इज टेम्पररी, डिसिप्लिन इज परमानेंट। और डिसिप्लिन मोटिवेशन वाली वीडियो में हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं, इसको अच्छे से समझने के लिए वो वीडियो देखना हाईली रिकमेंडेड है। हैबिट नंबर 2, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। अब ये इतनी बेसिक चीज है जो हमें बचपन से स्कूल और घर में बताई जाती है, लेकिन इसको हम कभी भी फॉलो नहीं करते, खासकर कि अब जब हम देर रात तक कोई सीरीज देख रहे होते हैं या वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। अब मानो या ना मानो, आजकल रात के 2 या 3 या इवन पूरी रात जगना एक फैशन बन चुका है, जिससे लोग खुद को बहुत कूल समझते हैं। अब कभी कभार तो ठीक है, मगर अब ये एक आदत बन चुकी है, रात भर जगे रहो दिन भर सोते रहो। अब यहाँ जिनके पर्सनल रीजंस हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो रात भर वेब सीरीज या वीडियो गेम्स नहीं खेल रहे होते, बहुत से लोग काम भी कर रहे होते हैं, मगर मैं उनको यही बोलूंगा, रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठकर काम किया करो, क्योंकि मैं भी बहुत दिन रात को उठ के काम करता हूं लेकिन अगले दिन नींद आती है। और मुझे लगता है रात सोने के लिए ही बनी है और दिन काम करने के लिए बना है। इट्स माय ओपिनियन, नीचे कमेंट में मत लिखना ब्रो यू नो। नो आई डोंट, आई ओनली नो दैट यू आर नॉट वीक एंड डूइंग दिस टाइप ऑफ बुलशिट इज अ लूजर हैबिट। मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि देर से उठने वालों की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, एक्सक्लूडिंग वर्क। खुद को ही देख लो, अगर तुम रात भर पिक्चर देख रहे हो तो तुमको तुम्हारे घर में लड्डू थोड़ी ना खिलाएंगे, गाली ही पड़ेगी। और पूरी दुनिया तो सूरज के हिसाब से ही चल रही है, न्यूज़पेपर वाला सुबह ही न्यूज़पेपर डाल चुका है, स्कूल और कॉलेज सुबह ही खुलेंगे, देश का स्टॉक मार्केट भी सुबह ही खुलेगा, बैंक्स और ऑफिस भी सुबह ही खुलेंगे। अब तुम रात भर उठे थे इस वजह से ये सारी चीजें शाम को थोड़ी ना शुरू होंगी। अब इस पर बात करना बहुत ही डिबेटेबल है, इसलिए इसको फॉलो करना या ना करना मैं तुम पे छोड़ता हूं, बट आई रिकमेंड अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, क्योंकि ये मैं दोनों ही ट्राई कर चुका हूं, बट इट्स योर लाइफ योर चॉइसेस। वैसे अगर चाहते हो कि मैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज के फायदों पर एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट में बता सकते हो। हैबिट नंबर 3, सेल्फ फोकस। अपने आसपास के लोगों की कभी बातें सुनना, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसने ऐसा कर दिया, यही सब सुनने को मिलेगा। कभी ये सुनने को नहीं मिलेगा हम क्या करें, हम कैसे करें, हम कैसे खरीदें। बहुत मुश्किल है कि तुमने ये कभी सुना होगा। ये पता ही क्या है, लैक ऑफ सेल्फ फोकस। तुमको खुद से कोई मतलब नहीं है, तुमको सिर्फ दूसरों से मतलब है कि कौन क्या कर रहा है, जबकि तुम्हें खुद ही नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो। तुमको अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी में ज्यादा इंटरेस्ट है। नहीं है तो दिन भर लोगों का स्टेटस और स्टोरी क्यों देखते रहते हो? अब बुरा लग गया होगा, वीडियो बंद करने का मन कर रहा होगा, कुछ कमेंट लिखने का मन कर रहा होगा, लेकिन कब तक खुद से झूठ बोलते रहोगे? फैक्ट्स आर फैक्ट्स। इधर उधर का सारा फोकस खींच के अपने ऊपर लगा दो, और अब जो बोलने वाला हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुनो, जरूरत पड़े तो रोज सुनो। जितनी चिंता तुम खुद की करोगे उतनी चिंता पूरी दुनिया में तुम्हारी कोई नहीं करेगा, इवन तुम्हारी मदर, तुम्हारे फादर, तुम्हारे भाई बहन। कोई सुबह उठ के ये नहीं सोचेगा कि आज राहुल को अमीर बनाना है, कोई सुबह उठ के ये नहीं बोलेगा कि आज विनायक को लैम्बोर्गिनी दिलानी है। नोबडी एक्सेप्ट द पर्सन इन द मिरर। तो ये थी मैट्रिक्स से बाहर निकलने की 3 और हैबिट्स, जिनको फॉलो करके ही तुम मैट्रिक्स से बाहर निकल सकते हो। अब इसके अलावा बहुत सी ऐसी हैबिट्स हैं जिनको फॉलो करते हुए ही तुम मैट्रिक्स से बाहर निकल पाओगे। अगर चाहते हो मैं उन पे भी एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट कर सकते हो, वरना हम इसे यही एंड करेंगे। वैसे तुम सोचते होगे मैं एक ही वीडियो में तुम्हें ये सारी हैबिट्स क्यों नहीं बताया था? इसके काफी सारे रीजन है, लेकिन सबसे बड़ा रीजन है तुम्हारा रिटेंशन, क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोगों के लिए ये 5 से 6 मिनट की वीडियो देखना भी एक बहुत मुश्किल काम है, तो 15 से 20 मिनट की वीडियो तो वो कैसे ही देख पाएंगे। ऑल थैंक्स टू शॉर्ट्स एंड रील्स।
और अगर अभी भी दिन भर शॉर्ट्स और रील्स देख रहे हो तो ऊपर ये वीडियो जरूर देख लेना, बच जाओगे। अगर वीडियो से 1% भी कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड नोबडी कैन हेल्प अ मैन हु डोंट वांट टू हेल्प हिमसेल्फ, इसलिए ऐसी और काम की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और आज जो कुछ भी इस वीडियो से नया सीखा है उसमें थोड़ा सोच विचार जरूर कर लेना, नहीं तो इसको भी रात के खाने की तरह भूल जाओगे। टिल देन टेक केयर एंड डेवलप दीज 3 हैबिट्स।